बेटा पूरी लो ना। नहीं चाहिए। बड़ा दूं क्या? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। चक्कर में हूँ मैं बड़ा, भूत से पाला पड़ा। चक्कर में हूँ मैं बड़ा, भूत से पाला पड़ा। इंसानों से टकरा गया ये भूतों का राजा। मैं तो उसके बस में हूँ, वो मेरे बस में नहीं। मैं तो उसके बस में हूँ, वो मेरे बस में नहीं। मैं जाता हूँ जहाँ जहाँ वो आता है वहीं। हर जगह वो दिखता है, माइंड मेरा खिसका है। हर जगह वो दिखता है, माइंड मेरा खिसका है। कैसे सुनाऊं किसे बताऊं दास्तां मेरी। क्या हुआ? उजड़ी हुई रियासत के लुटे हुए सुल्तान। मेरी इज्जत जा रही है, पता नहीं चल रहा है। अरे मेरे तो प्राण चले गए, मैं किसे बताने जाऊं। अरे तुम तो वार्म अप मैच में ही इतना थक गए हो, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। देखो ये सब मुझसे नहीं होने वाला, दोनों मिलकर कोई समझौता कर लेते हैं। पहले मेरा प्यार सक्सेस होने दो, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे। ये तुम जो कर रहे हो ना, ये मैं 30 साल पहले कर चुका हूँ। टोपी मत पहनाओ। सच बोलो तो मान नहीं रहे हो। परेशान करना है मतलब करना है। अरे क्या करूँ मैं। देखो मैं अपने प्यार की कसम खाकर कहता हूँ, समझ गए ना। ऐसा है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा तुम्हें, अपने प्यार को हासिल करने के लिए हेल्प करूंगा। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगा। ए पत्ते फेंक। ए हाँ ये कुलकर्णी तुम्हारे गैंग का है क्या? नहीं भाई, कुलकर्णी शंकर के गैंग का नहीं है। ढूंढो तो। जी दीवारों पे क्या लिख रहा है तू? कितने दिनों में बाहर जाएगा उसका हिसाब किताब लिख रहा है तू? तेरा परमानेंट घर यही है। तूने जितने भी काले कारनामे किए हैं ना, उनकी फाइल तैयार है और 4 दिन के अंदर उनको कोर्ट में सबमिट करने वाला हूँ। तू जिंदगी भर यही सड़ेगा। भाई आप उसे जानते नहीं, वो जो बोलता है वही करता है। उसके घर में फाइल है ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसे चुराने के लिए उसके आदमी को मैंने खरीदा है ये वो नहीं जानता। अच्छा कहाँ गई वो फाइल? ये फाइल क्यों चुराने के लिए बोला? अरे वो कार्टून कह रहा था कि ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जब वो इस फाइल को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाएगा और अपने बाल नोचने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना और बोलना अंकल यही फाइल है क्या? बाहर पड़ी थी, इम्पोर्टेंट समझकर इसे मैंने अपने पास रख लिया था, ये लीजिए। ऐसा कहते ही उस कार्टून का चेहरा ऐसे खिल उठेगा जैसे मार्केट में किसी को पड़ा हुआ 2000 का नोट मिल जाए। अच्छा और फिर वो तुमसे शादी कर लेगा। सर अभी भी नहीं समझे? तुम्हें लेकर उसके सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस पॉजिटिव में बदल जाएंगे। सर आपकी बॉडी जल गई है लेकिन फिर भी आपका ब्रेन इतना शार्प है। चापलूसी बहुत हुई, फाइल को संभालो। सेफली रख दिया? सेफ है। ये आइडिया बहुत अच्छा है सर। अब बताइए आगे क्या करना है? किससे बात कर रहे हो? ब्लूटूथ किशोर है। अच्छा मुझे है तू? ठीक है रखता हूँ, बाय बाय। तुमसे बात करनी है। तुम क्या कर रहे हो तुम्हें भी समझ में आ रहा है क्या? पापा को इम्प्रेस नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन पागलों वाली हरकतें बंद करो। कोई भी उसका दामाद अच्छा है या बुरा ये टेस्ट करते हैं, पर पागल वाले टेस्ट की शुरुआत तो तुमसे ही हुई है। ये ऐसे कंटिन्यू रहा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज तो कर लिया है ना। कॉम्प्रोमाइज किसके साथ? वो वही तुम्हारी मदर, ग्रैंड मदर और तुम्हारा छोटा ब्रदर। अभी सिर्फ तुम्हारे फादर ही बैलेंस है, उनके लिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है, डोंट वरी। अटेंशन प्लीज, हमारे ब्रांड न्यू मोबाइल को प्रमोट करने के लिए हमने एक सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा है। आप लोगों में से जिसकी 10 सेल्फी होगी उन्हें इनाम में 10 लाख रुपए की कार मिल सकती है। हम भी रेडी है। कुलकर्णी, ये कहाँ है? अभी अभी उस तरफ गया है सर। सब खा खा के सांड हो रहे हो। तुम में से एक भी उसे पकड़ नहीं पाया। उसका फोन नंबर मिल गया है भाई। हेलो, मैं बोल रहा हूँ बाप जी। मेरे आदमी को मारकर अपनी माशुका के साथ पूरे शहर में घूम रहा है तू। मुझसे पंगा लेके कैसे जी पाएगा तू? तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी मौत कैसे होगी ये मैं तय करूंगा। वो बाप जी को मेरा नंबर मिल चुका है और वो मुझे बता रहा था कि वो मुझे कैसे मारेगा। ए, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है सर वो? इससे पहले कि वो तुम्हें मारे तुम उसे जाकर मारो। अरे तुम भी ना, तुम्हारे दिल में कोई दया नहीं है क्या? मैं तुम्हें चीख चीख कर कह रहा हूँ कि वो मुझे मारेगा और तुम कह रहे हो मैं उसे मार दूं। अरे इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। फाइल नहीं मिल रही मतलब? मैंने तो संभाल के रखी थी जी, पता नहीं कहाँ चली गयी। बड़ी आसानी से बोल दिया फाइल नहीं मिल रही है। अंकल वो फाइल मेरे पास है, एक्चुअली बाहर गिर गई थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा ये सोचकर मैंने अपने पास रख ली। थैंक यू वेरी मच। जाओ जल्दी लेकर आओ। जाओ ओके, गुड बॉय। इसमें तो फाइल है ही नहीं। कहाँ गई? गई भैंस पानी में। ये फाइल कहाँ है? फाइल नहीं मिल रही है अंकल। फाइल नहीं मिल रही? तुमको उस फाइल की वैल्यू मालूम है क्या? वो फाइल इम्पोर्टेंट है तुमको कैसे पता? वो सर। चुप, जल्दी बोल। आपको इम्प्रेस करने के लिए कुलकर्णी ने ये आईडी दिया था मुझे। कुलकर्णी? वही सर जिसने मुझे आंखें दी हैं। ये आत्मा है। सुना ना, अभी भी आत्मा दिखाई दे रही है। अब तो मानोगी ना कि ये मेंटल है। तेरे पागलपन से वो नीच कुत्ता कमीना हंसते हंसते जेल से बाहर आ जाएगा। एक हफ्ता ये घर में रहा तो ये हाल है, पूरी लाइफ रहेगा तो पता नहीं क्या होगा। नेत्रा मेरी बात मानो, मैं पागल नहीं हूँ नेत्रा। मुझे सच में आत्मा दिखाई देती है। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि वो आत्मा मैं देख सकता हूँ। ये बिल्कुल सच कह रहा है, इसका भरोसा कीजिए। एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। तेरे जैसा पागल मेरे साथ होगा तो बदनामी होगी। चल निकल यहाँ से। आत्मा दिखती है। गौतम सॉरी यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। बस बहुत हो गया। मेरे प्यार और उसके घर वालों के सामने तुमने मुझे पागल बनाया। वो गुंडा कलिया परसों मुझे मार देगा। आंखें मिलने के बाद मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन एक भी काम होने दिया तुमने। तुम्हारा क्या, अरे तुम तो मर चुके हो। अपना प्यार खोने का गम क्या होता है ये तुम जानते हो, लेकिन अब नहीं। ये आंखें ही सारी प्रॉब्लम है ना, अब ये आंखें ही नहीं रहेंगी। निकाल दूंगा इन्हें। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? 25 साल में अंधा ही था, आगे भी ऐसे ही जी लूंगा। तुम्हारी आंखें मुझे नहीं चाहिए, कल ही निकाल दूंगा। ए गौतम।